नजर आए। आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको दे दें कि प्रदेश में चुनावी शोर अपने उफान पर है। अब बीजेपी ने अपनी तरकश से जो तीर निकाले हैं वो कांग्रेस को परेशान कर सकती हैं। दरअसल बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस को गहलोत पायलट गुटों में उलझाने में लग गई है, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की पतवार संभालने को कोई तैयार नहीं है। उसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को बीजेपी निशाना बनाने में जुट गई। बीजेपी को भली भांति पता है कि चुनावी क्षेत्रों में कांग्रेस गुटों में विभाजित है, लिहाजा कांग्रेस पर तीखे वार किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की पतवार संभालने को कोई तैयार नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ गया है। सातों सीटों में आप कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य किसी को प्रभावी रूप से काम करते हुए, जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता स्थापित करते हुए, उसके अलावा आप किसी को पाएंगे नहीं। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलने वाला है, साथ में एक सीट भी कांग्रेस के पास नहीं आने वाली है, ये तो तय है। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में चुनावी कंट्रोल रूम और वॉर रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के राजाओं को लेकर दिए बयान पर भी हल्ला बोला और कहा कि इससे घटिया और नीचता की बात नहीं हो सकती। इतनी अपमानजनक टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं है। राजस्थान क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा। इस देश के राजपूत समाज ने, इस देश के राजाओं महाराजाओं अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों से पैसा लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसा लेकर के, या उनके दस ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया, इससे घटिया, इससे नीचतापूर्ण, इससे अपमानजनक और इससे मूर्खतापूर्ण मैंने अपनी जिंदगी में किसी राष्ट्रीय नेता के आज तक कोई ऐसा। वहीं बीजेपी प्रभारी ने दावा किया कि सातों सीटों पर उपचुनाव उनकी पार्टी जीतेगी। इस दौरान भारतीय आदिवासी पार्टी पर अग्रवाल ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए भील समाज को हिंदू विरोधी बताने का प्रयास किया, इसलिए वहां के भील समाज में आक्रोश है और उसी आक्रोश से हम 84 सीट जीतेंगे। भील समाज के लोग इस बात को लेकर अपने सांसद से बहुत नाराज हैं कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने संपूर्ण आदिवासी समाज को राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी घोषित करने का प्रयास किया, यह बताने का प्रयास किया कि आदिवासी समाज हिंदू समाज है ही नहीं, और इसके नाते संपूर्ण भील समाज में बहुत आक्रोश है। और उस आक्रोश को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा हम बहुत अच्छी मार्जिन से 84 का चुनाव भी जीतेंगे। यूपी के पूर्वांचल के नेता डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को अंदाजा है कि कब कौन सा तीर तरकश से निकालना है, मगर आरोप प्रत्यारोप के बीच वे कांग्रेस को हल्के में लेने की भूल नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कुछ चुनावी सीटों पर नेक टू नेक फाइट है, अब बस जरूरत है कूटनीति और बूथ मैनेजमेंट की, और अग्रवाल उसी में जुटे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।